देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। रिफ्रेश योर गेम ऑफिशियल रिफ्रेशमेंट। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज सैयद हुसैन के साथ। हम इस वक्त है तालुका चांदूर बाजार के करज गांव में। हमारे साथ है दीपक वड़वी सर, थानेदार सिरजगांव पुलिस स्टेशन। और आज करज गांव में शांतता समिति की मीटिंग ली है, तो चलिए हमारे साथ सर जुड़े हैं, वो उन्हीं की प्रतिक्रिया लेते हैं। सर पहले तो TNN 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सिरजगांव कस्बा तालुका चांदूर बाजार अमरावती ग्रामीण पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूँ। आज महाराष्ट्र में त्रिपुरा में जो घटना हुई उसके बाद में अमरावती जिले में कायदा और सुव्यवस्था का जो प्रश्न निर्माण हुआ वो हिसाब से बहुत से तालुके के अंदर में संचारबंदी और जमावबंदी का आदेश पारित है। वो आदेश की पूर्तता करने के लिए जो बंदोबस्त लगाया है कानूनन जो सही है उसके नियम बताने के लिए और जो आज की तारीख में परिसर के अंदर में व्हाट्सएप फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो वायरल मैसेज होते हैं वो मैसेज पे कोई भी मैसेज की पड़ताल नहीं की जाए, उसके सही सत्यता पहचान के उस पर कार्रवाई की जाए। कोई भड़काऊ मैसेज पे विश्वास मत रखिए। ये कहाँ पे जो कई बिना वजह कोई जमाव तैयार ना करें और गांव में शांतता बाधित रहे, ये सुझाव देने के लिए आज की मीटिंग करज गांव में हमने ली थी। सब नागरिक ने शांतता रखने की हमें अनुमति या फिर आह्वान हमने किया है और लोग हमारे संदेश पे सहमत है। धन्यवाद। सर एक आदेश जारी किया है कि फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी पोस्ट वायरल करेगा तो उसके लिए आपने क्या आगे के लिए क्या प्रावधान रखा है उसके ऊपर? जो व्हाट्सएप है जो फेसबुक है उसमें जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उनके ऊपर सर्वेलेंस के लिए हमारी साइबर क्राइम की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम काम कर रही है। जो भी आक्षेपारे मैसेज जाएंगे, वीडियो जाएंगे या कोई भड़काने वाला मैसेज जाएगा उन पर कानूनन कार्रवाई करने का काम शुरू हो गया है। इसलिए जनते से हमारा निवेदन है जानबूझ के कोई वायरल मैसेज करो मत, जो सही है उसके बारे में ख्याल करें और ऐसा ही भड़काऊ मैसेज किसी ने डालना नहीं है। और करज गांव में हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से भी आज बहुत शांतता है यहाँ पे, तो आप हिंदू मुस्लिम एकता के लोगों को जैसा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हमारी तरफ से दोनों समाज के लोगों को ये मैसेज है, हमारे गांव में पहले से ही भाईचारा है, अभी भी भाईचारा बरकरार रखे, भविष्य में भाईचारा बरकरार रखे, ये हम उम्मीद